दोस्तों काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरा सब्सक्राइबर्स कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहा है। आखिरकार सब्सक्राइबर्स आपने कैसे बढ़ाया और मैं कैसे बढ़ाऊं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यार कि मैंने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, और यहां तक कि दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जर्नी भी बताने वाला हूं कि मेरा पहला 100 सब्सक्राइबर्स कब कंप्लीट हुआ था। मैंने आई थिंक कोई पिछला वीडियो में भी बताया था, और यहां तक कि मैं ये भी बताने वाला हूं कि मेरा फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स कब कंप्लीट हुआ था, और 1000 से इतना सब्सक्राइबर्स होने में कितना दिन लगा। और यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाना है, अगर आपका सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल पर बढ़ नहीं रहा है तो आपको कैसे बढ़ाना है और मैंने कैसे बढ़ाया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आपने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है, बना लिया है, या फिर दोस्तों अगर आपका सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका सब्सक्राइबर्स बढ़ने जरूर लगेंगे। तो थैंक यू, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें मेरे चैनल के फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के बारे में, तो यार आप लोग मेरे चैनल खोल करके अबाउट सेक्शन में जाइए, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 फरवरी 2022 को मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। तो दोस्तों 19 फरवरी से लेकर के मेरा चैनल का सब्सक्राइबर्स 100 सब्सक्राइबर्स हुआ था। यहाँ पर दोस्तों मैं मेल भी दिखा दे रहा हूँ, ये खूबसूरत और प्यारा सा मेल आ चुका था यूट्यूब की तरफ से फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स में। दोस्तों पहला 100 सब्सक्राइबर्स मेरे को हुआ था 22 जून 2022 को, मतलब कि दोस्तों फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और यहाँ पर जून, मतलब कि दोस्तों फरवरी से जून 4 महीने में दोस्तों यहाँ पर मेरे को 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे कंप्लीट। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, तो दोस्तों पहला 100 सब्सक्राइबर्स मेरे को 4 महीने में कंप्लीट हुए, और दोस्तों जून से लेकर के 7 दिसंबर 2022, मतलब कि दोस्तों दिसंबर तक 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। तो दोस्तों फरवरी से लेकर के और दिसंबर तक होते हैं पूरे 10 महीने, तो 10 महीने में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। और दोस्तों दिसंबर से लेकर के अभी चल रहा है सितंबर महीना, मतलब कि इन 9 महीनों में हुए मेरे 29000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। दोस्तों देख सकते हैं यही है, जी हाँ दोस्तों, आपका 1 साल में अगर 1000 होता है तो अगला 1 साल में यहाँ पर 50000 भी हो सकता है, और वो सब आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट के ही कारण हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ मेरा भी मेहनत है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं या फिर आपने नया चैनल बनाया है तो आपको सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं बात कर लेता हूँ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने से पहले कुछ गलतियों के बारे में, क्योंकि दोस्तों गलतियों के बारे में तो जानना बहुत ही ज़रूरी है और उसे सुधारना भी ज़रूरी है। दोस्तों जब मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया था तो 3 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपका सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है तो 3 गलतियां तो जरूर करते होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले गलतियां के बारे में, काफी सारे लोग क्या करते हैं जब अपना नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो चैनल का लिंक कॉपी करते हैं और किसी फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, उन्हें वीडियो तक अपलोड नहीं किया है, और किसी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, बोलेंगे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है आप सब्सक्राइब कर दो, खट से फ्रेंड लिंक पे क्लिक किया और आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, एक सब्सक्राइबर तो हो गया। उसी तरीके से 50-100 लोगों को भेज देते हैं, या फिर कोई मिलता है तो चैनल का नाम सर्च करते हैं, सब्सक्राइब करवा लेते हैं, इस तरीके से आपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिया है। तो सबसे पहले काम ये करते होंगे, और दूसरा काम क्या करते होंगे, आपका चैनल का जो लिंक है किसी यूट्यूबर के वीडियो में जाते हैं और नीचे कमेंट में आप उस अपने चैनल का लिंक पेस्ट कर देते हैं, दूसरा सबसे बड़ी गलती। और तीसरा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप अपने ही आईडी, मतलब कि ईमेल आईडी, फेक ईमेल आईडी पूरा बना देते हैं और आप जो है अपना चैनल को सब्सक्राइब खटखट कर देते हैं। दोस्तों ये 3 ऐसा तरीका है कि अगर आप लोग भी कुछ ना कुछ गलते हैं इस तरीके से सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं तो आपका यहाँ पर चैनल, मैं कहूँगा कि यार उस चैनल अगर आपने वैसा करके 50-100-200 सब्सक्राइबर्स करवा लिए हैं वो चैनल को अभी बंद करिए और दूसरा चैनल बनाइए, और 3 गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिए। अगर दोस्तों आप ऐसा गलतियाँ कर चुके हैं तब दोस्तों कोई फायदा नहीं है उस चैनल से, वो चैनल आपका खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, क्योंकि दोस्तों यार आपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिया कैसे भाई, वीडियो को लिंक शेयर करके, कहीं शेयर करके। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने 200 सब्सक्राइबर करवा लिया तो 201 भी सब्सक्राइबर्स नहीं होने वाला है बिना लिंक ही शेयर किए। तो दोस्तों मैंने अपना जो चैनल 100 सब्सक्राइबर बढ़ाया था वो दोस्तों पहला 100 सब्सक्राइबर्स किसी को नहीं कहा था और किसी को लिंक भी शेयर नहीं किए थे, और मैंने कोई अपना ईमेल आईडी बना करके कोई अपने चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं किया था। वो सब्सक्राइबर्स किया था कि कोई लोगों ने मेरा यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया और मेरा वीडियो आया तो मेरा वीडियो देखा, उसके बाद सब्सक्राइबर किए थे। इसी तरीके से दोस्तों ऐसा हुआ, 100 सब्सक्राइबर्स होने में मुझे लग गए 4 महीने, और 1000 सब्सक्राइबर्स होने में मुझे लग गए पूरे 10 महीने, और आपके सामने रिजल्ट है कि 9 महीने में, मतलब कि 1.5 साल में हो चुके हैं मेरे
30,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं क्या कहना चाहूँगा, सब्सक्राइबर्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों मेरे पास यार कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि सब्सक्राइबर्स मैं आपका बढ़वा दूँ। मेरे पास एक ही ट्रिक है कि आप लोग एक वीडियो बनाइए, सर्चेबल टॉपिक पर पहला वीडियो बनाइए, जो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं मैं पहले भी बताया हूँ, और दूसरा जो लोग ट्रेंडिंग चल रहा है और वीडियो बनाइए और आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली अब काफ़ी सारे लोगों को गुस्सा भी हो रहा होगा यार कि मैंने बताया सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाते हैं और ये वही चीज़ बता रहे हैं जो तो मैं चीज़ जानता हूँ। तो भाई साहब आप वो गलतियाँ करते हैं जिसके वजह से कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं लेकिन उसके बाद तो एक भी नहीं ना बढ़ते हैं, उसके बाद ही मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो यार जैसे मैंने अपने खुद के मेहनत पे यार चैनल को बढ़ाया है, सब्सक्राइबर बढ़ाया है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। मैं आपको ऐसे वैसे नहीं बताने वाला हूँ कि आप अपना खुद से ईमेल आईडी बना लीजिए, सब्सक्राइब करवा लीजिए, किसी दोस्त से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे करवा लीजिए वैसे करवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने वो सब काम किया ही नहीं है, इसीलिए मैं दोस्तों आपको वो बता ही नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको एक लॉन्ग टर्म तक सही तरीके से आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है तो वो एक ही काम है कि आप सर्चेबल टॉपिक पर शुरुआती दौर पे वीडियो बनाइए, क्योंकि सर्चेबल टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा तो आपका जो है लोग देखेंगे वीडियो और सब्सक्राइब करेंगे अगर पसंद आएगा तो। अब काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि अभी यूट्यूब ने सब्सक्राइब फीचर हटा दिया, अब तो मेरा सब्सक्राइबर दिखता है 5 सब्सक्राइबर 6 सब्सक्राइबर्स तो कोई लोग सब्सक्राइब करेगा? भाई साहब जब मेरा 100 सब्सक्राइबर्स हुआ था ना उसके बाद ये फ्यूचर यूट्यूब ने हटा दिया था आई थिंक, तो मेरा भी सब्सक्राइबर्स दिख रहा था। तो 200, 300, 400 सब्सक्राइबर्स 1,000 सब्सक्राइबर्स होने में 10 महीने लगे यार, एक एक बूंद करके घड़ा भरता है। उसी तरीके से दोस्तों मेरे भी सब्सक्राइबर्स दिख रहे थे, इसके बाद भी मैंने कंप्लीट किए सब्सक्राइबर्स। दोस्तों 1,000 सब्सक्राइबर्स अगर सही तरीके से आपका पूरा हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपकी गाड़ी चल पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ यार कि अगर आपको करना ही है तो सिर्फ वीडियो बना करके ही आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ना कि दोस्तों कुछ इस तरीके से उस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन और सही तरीका से मैं आपको सब्सक्राइबर से बढ़ाने की बात बताता हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ पर फेक बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के एक्सपीरियंस में सीखा है मैं आपको वही शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक इंपॉर्टेंट और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।